ये खड़ी है, खड़ी सामने ही है बुगाटी चिरोन, इधर पार्क कर दीजिए गाड़ी, इधर सामने ही है। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है डेरी और आप देख रहे हो मेरे व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वापस से खेलने वाले GTA 5। और लास्ट वाले एपिसोड में आपको पता हैगा कि आप सबको पता ही है कि सब चीज़ें वो सबका प्रैंक का वो सब सीन चल रहा था, सब हो गया। पर उसके बाद जो है फाइनली माइकल ने एक प्राइवेट जेट परचेज कर लिया था, मतलब पल लिया है ब्लैक कलर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, अच्छी है बहुत वीडियो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस थोड़ा आया है। देखता हूँ अभी इस वाले वीडियो में कितना आएगा। और अभी मैं स्विमिंग पूल में ही कूद गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप सबको पता है कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने बोला था कि माइकल जो है वाइस सिटी जाने वाला है ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, क्योंकि कितने टाइम के बाद वो वाइस सिटी जाने वाला है। टॉमी भाई साहब से वो हम लोग मिलवाएंगे, सब कराएंगे। उसके बाद भी इसके लिए तो माइकल ने प्राइवेट जेट भी खरीदा और ये इसकी दो दो गाड़ी ऐसे ही पड़ी रहती है। मैं सोच रहा हूँ ये अभी ऑरेंज वाली गाड़ी नहीं, अच्छी से कोई गाड़ी लेकर अमांडा की गाड़ी लेकर चलते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में माइकल जो है करने वाला है तैयारी वाइस सिटी जाने के लिए। आ जाओ गाइस अब शुरू करते हैं, पर पहले तो माइकल को एक तैयारी करनी है। और लास्ट टाइम हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शबामन स्टोर में जाने का है अपने, हम लोग को शबारमन शबमरन शबमरन ऐसा ही कुछ है। ये रहा बहुत दूर है, ये अले भी चलते हैं नज़दीक, सबसे ज़्यादा यही है। राइट अच्छा है, माइकल की गाड़ी बाहर पड़ी हुई थी, फालतू में हमारे डैकी कार लेके आ गया। सो हाँ गाइस माइकल मतलब लेस्टर ने एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन दी है आज सुबह जब भी माइकल उठा तभी, और आप सबने देख ही लिया होगा कि माइकल की जो फैमिली वो सब तो प्रैंक ही था, उसकी फैमिली भी नहीं गई थी। सो गाइस वो लेस्टर ने बताया कि एक गोल्ड बुगाटी चिरोन किसी एक बिजनेसमैन की, सबसे बड़े बिजनेसमैन की उसकी एक गाड़ी है, वो उसने उसने जो एक सर्विसिंग के लिए दी है। अब सबको पता है सीक्रेट सर्विसिंग हो रहा है एयरपोर्ट के हैंगर में, एक वाले हैंगर में या दूसरे वाले पे। तो माइकल के बाजू वाले हैंगर में वो सर्विसिंग तो तीसरे वाले हैंगर में हो रही है, पर माइकल के जो बाजू वाले हैंगर हैं उसमें वो जो रखा जा रहा है वो, क्योंकि वो उसके वो ही नहीं बताया, क्योंकि उसका वो जो ड्राइवर है जो मालिक है गाड़ी का उसने ही बताया वो बिजनेसमैन उधर ही रखो, क्योंकि वैसे भी उधर जगह नहीं है क्योंकि वो पूरा शोरूम है। और सीक्रेट भी है, अगर कोई उधर से लेके गया तो उनको शक भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस को ये बात का किसी को पता नहीं है। मैं अच्छे से कोई शॉपिंग ले लेता हूँ माइकल के लिए ग्लास, ये अच्छी लग रही है और ये अच्छा लग रहा है इसमें। वैसे माइकल पे सबसे ज़्यादा सूट ही मैच होता है, तो भी देख लेते शर्ट्स में क्या है। याद ले लेता हूँ जैसे अपना वाइस सिटी में काम आएगा, अभी अच्छा भी लग रहा हूँ मैं। इसकी जो वाइफ है वो धो देगी कपड़ा, वैसे भी उनके नौकर भी है माइकल भाई साहब के। और अभी के बजाय इतने तो अभी थोड़े टाइम में वो जो गाड़ी आने वाले तो हम लोग को ना अभी के लिए निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट किधर है, ये रहा। तो ये वाला जो हैंगर है माइकल का है और इधर छोटे छोटे हैंगर है, और ये वाला जो हैंगर है ना इधर ही ये या ये इसी में सर्विसिंग होती है, और इस या इस या इस वाले हैंगर में गाड़ी है। तो हम लोग को जाना है इस वाले हैंगर पे और जल्दी चलते हैं। वैसे इधर का रास्ता दिखाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं क्योंकि आप सबको पता ही है। तो मैं इतना एयरपोर्ट का ना तब तक के लिए स्किप कर देता हूँ थोड़ा रास्ता, फिर आप आगे देख लो। चलो
मिलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट। दोस्तों फाइनली जो है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और इधर हम लोग ने एक रूम भी मन कर लिया अमांडा की कार की। और माइकल ने मतलब अमांडा ने वापस से माइकल को बुलाया था घर पे, क्योंकि वो माइकल ने कपड़े खरीद लिए तो वो वापस घर पे रखने गया कपड़ा, और एक अपना सूट ही पहन लिया क्योंकि वो हमेशा सूट ही पहनता है, उस पर सूट ही अच्छा दिखता है इसके लिए। और इधर से आप लोग की एंट्री है, खोलो भाई गेट। भाई गेट क्यों नहीं खोल रहे, कभी खोलते नहीं है गेट, पागल जैसे लोग। लगता है आगे वाले एंट्रेंस से शायद होएगा, इसके लिए नहीं खोल रहे थे। हाँ इधर से अपना एंट्रेंस, खोलो। देखा खोल गए, हम लोग रॉन्ग वाली एंट्रेंस से जा रहे थे, वो एग्जिट का एंट्रेंस था। वैसे भी इधर से भी एग्जिट होता है, पता नहीं ये वाले एंगल पे देखते हैं, शायद इस वाले एंगल पे भी आयो लेस्टर कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो। नहीं इधर तो नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ना ये वाला जो है सामने एंगल है वो माइकल का है, और ये तीनों एक हैंगर है, और ये वाला जो सामने कार पे प्लेन खड़ा है ना वही वाला जो एंगल है उधर सर्विसिंग होता है। और हाँ ये वाला जो एंगल है सामने ये वाला ही है, ये वो क्या बोलते हैं यही है जहाँ पे बुगाटी चिरोन खड़ी है, क्योंकि यही इसमें से हैंगर खुले हैं, बाकी कोई भी खुले नहीं। और लेस्टर ने बोला था हैंगर के अंदर ही होंगे। और अपना प्राइवेट जेट बाहर खड़ा है, पता नहीं वो हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है, हैंगर लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो इतना बड़ा प्लेन। वाह अंदर जाते हैं। अरे ये रही ये रही ये बुगाटी चिरोन, माइकल की गोल्ड बुगाटी चिरोन मिल गई उसको फाइनली। इधर है थाले, चल चल चल। इधर कोई बॉडीगार्ड भी नहीं रखा था क्योंकि वो बिजनेसमैन ने बोला था, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, उतना उसको क्या बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। और वो इसी नहीं शायद से थोड़े लेट नहीं एक घंटे बाद आने वाला था लेस्टर, ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, तगड़ा इंसान है लेस्टर। और ये डेविन वेस्टन का हैंगर है, पता नहीं कौन है ये डेविन वेस्टन। चलो चलो उठा के भाग लेते। और आप लोग सोच रहे होंगे कि माइकल की अमांडा की कार कहाँ पे गई, वो जो मैंने पहले से ही ड्राइवर को बोल ही दिया था कि जल्दी से आ जाना इसकी गाड़ी ले जाना, क्योंकि फिर अमांडा की गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी तो चाहिए गाड़ी। सबसे पहले ना मैं इधर से निकल लेता हूँ अपने घर की तरफ, इधर से जाना है। और माइकल ने बुगाटी चिरोन पहले से ही लेने वाला था, पर लेस्टर ने तगड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा भैया थक गई क्या, नहीं थुकी वही बच्चे गए, ये प्योर गोल्ड की गाड़ी है और फास्टेस्ट गाड़ी है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार है बुगाटी चिरोन। ये भाई का चुंबर कर दिया माइकल ने तो। अबे ये क्या, लॉस सैंटोस कस्टम्स इधर बाजू में ही है, रिपेयर करा लेंगे, इतना कुछ खास झंझट नहीं है अपने को। और अभी रात भी होने वाली है क्योंकि अपना जो ड्राइवर है अमांडा की कार वाला वही लेट आ गया, इसका वजह से पूरी आधी रात हो गई। चलो आ गया लॉस सैंटोस कस्टम्स, ऐसी कचुंबर कर दी है गाड़ी। चलो निकलो। और अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आ जाएगी। और आप लोग सोच रहे कि माइकल को बुगाटी चिरोन क्यों खरीदनी थी, भाई बुगाटी चिरोन तो माइकल का पहले से ही मतलब उसने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं जो है वाइट सिटी जाने वाले उधर जाके मैं टॉमी भाई साहब को अपने चिढ़ाऊंगा बुगाटी चिरोन लेके, क्योंकि उधर इतनी अच्छी कोई कार ही नहीं चल रही है, ऐसी नॉर्मल ऐसी फ्रैंकलिन की जैसी ये वाली कार चलती है, इसके लिए चिढ़ाया था। और माइकल जो अपनी प्राइवेट जेट में आएगा और वो कार्गो प्लेन में आ जाएगा सबसे पहले, वो लेस्टर भिजवा देगा। जब माइकल निकल आएगा उसके साथ ही साथ कार्गो प्लेन ही निकल जाएगा। और माइकल का पहले से ही सपना था कि मैं बुगाटी गोल्ड बुगाटी चिरोन खरीदूँ, और लो जी गाइस खरीदी नहीं पर चोरी कर ली।
हम लोग से जब कौन हो सकते हैं चोर, चोर का दम निभाना चाहिए हम लोग को कि हम है सबसे बड़े चोर। और आप सब भी बोल रहे होगे कि इतनी जल्दी चोरी नहीं करते, ऐसी गेम्स खेलते हो चोरी की और चोरी नहीं करते। अबे भाई चलना, बैलगाड़ी जैसी टुकटा पह के घूम रहे हैं। चलो तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो लाइक कर मतलब कमेंट पर जरूर बता देना अगर आपको ये लाइक अच्छा लगा। सॉरी अबे यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया उसको भूल जाता हूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता रहूँगा इस एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय नाउ गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। माइकल को अपनी वो भी खरीदनी है, मतलब सूट बूट खरीद लेगा, इधर बाजू में ही है देख सकते हो सामने ये पॉन बॉयज। और देखो भाई गाड़ी की फोटो खरीदने खींचने लग गए, वाह 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 सही बात। चलो टिकटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी जाके फॉलो कर लो और यूजर नेम भी स्क्रीन पे आ रहेगा, उधर भी जाके फॉलो कर लो। बाय बाय।